प्यारे दोस्तों, वाचन कुक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बढ़िया भेज रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आपको ना मजा आ जाएगा ये रेसिपी देख। ये रेसिपी का नाम है परवल स्टफ्ड करी रेसिपी। ये रेसिपी का फॉर्मूला मेरा ही है। ये रेसिपी बहुत 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 टेस्टी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले परवल आप धो लीजिए। मैंने यहाँ पे 8 लिया है टोटल। आपको कितना क्वांटिटी चाहिए आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है, धोने के बाद ऊपर का पार्ट जो है ये पतला करके आप काट लीजिए। मैं दिखा रहा हूं कैसे, ये देखिए। फिर घुमा के दूसरे तरफ ये थोड़ा सा आप निकाल दीजिए। इसका यूज नहीं करना है, फेंक दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आधा इंच, ये देखिए आधा इंच ऐसे काटना है दोनों तरफ, ये देखिए। फिर घुमा के इस साइड में भी काटना है, दोनों तरफ आप काट लीजिए। हो गया है ये, वो फेंकना नहीं है, वो आधा इंच करके काटा ना, इसलिए काटा क्योंकि हम स्टफिंग पनीर और किशमिश से करेंगे। अब ये देखिए कटिंग, देखिए कैसे करना है। 30-40% आप एक साइड से काटिए, 30-40%, 50% नहीं तो ये होगा। फिर दूसरी तरफ से इधर से 30-40% एक आटा, ठीक है। एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से। मैं दोबारा और दिखाऊंगा कैसे कटिंग का ये। और वो जो बीच है अंदर, बीच सीड निकालना है। मैंने चम्मच लिया है, चम्मच से धीरे धीरे ये देखिए, पहले जो साइड में से थोड़ा सा आप हल्का सा दबाइए, दबा के आप ऐसे मूव कीजिए। ये देखिए, ऐसे दबाने के बाद थोड़ा सा घुमा दीजिए इस तरफ से, इस तरफ से। फिर वो जो बीच का पार्ट है ये निकाल लीजिए। ये देखिए अंदर एकदम, देखिए पूरा मैं निकाल लिया। ये देखिए कैसे आपको ठीक लगे ऐसे आप कीजिए। ये देखिए कटिंग, देखिए एक तरफ इधर से काटा और एक तरफ इधर, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऐसे काटना है। ये देखिए एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से, ऐसे आप पूरा काट लीजिए, सब काट लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरा काट लिया है। इसका ग्रेवी में हम यूज करेंगे, ग्रेवी जो बनाऊंगा ना इसमें यूज करेंगे। वो जो बीच है, सीट जो है, ये देखिए ये सीट और जो साइड का जो पार्ट है ना, आधा इंच करके मैंने काट के रखा, ये ग्रेवी में हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे और इसका होगा बहुत बढ़िया सा ग्रेवी। देखिए ये देखिए मैं डाल रहा हूँ इसमें, कैश्यू नट्स डालेंगे, उसके बाद ग्रीन चिली, अदरक वगैरह डाल के इसी से ग्रेवी बनाना है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने पूरा ऐसे काट लिया है। अब पेस्ट का मैं दिखा रहा हूँ क्या डाला, इसका जो अंदर का जो सीड है और साइड का पार्ट है ये मैंने डाल दिया। इसके बाद क्या डालना है, इसमें क्या मिक्स करना है, ग्रीन चिली डाल दिया, 5 डाल दिया, क्योंकि इस रेसिपी में तीखा और तेल का यूज थोड़ा सा ज्यादा करने से अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं अदरक डाल दिया, अदरक ज्यादा नहीं, आधा इंच आपके दो टुकड़ा डाल दिया, आधा इंच का टोटल, आधा इंच। और जो ये मैंने रॉ कोकोनट नहीं है, कच्चा नारियल नहीं, ये सूखा नारियल जो होता है ना, और कैश्यू नट्स डाल दिया मैंने, 10-12 डाल दीजिए बस। अब थोड़ा सा पानी मिला दीजिए इसमें, 3-4 चम्मच पानी, 3-4 चम्मच पानी मिला के इसका पेस्ट बना लीजिए और यही हो जाएगा बढ़िया सा ग्रेवी। ये देखिए ये जो काला काला दिखाई दे रहा है ना, ये वो नारियल है, हाँ, सूखा नारियल का वो ऊपर का पार्ट, थोड़ा सा पाउडर होने के बाद थोड़ा सा काला काला दिखाई देता है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। अब क्या, किशमिश अब पानी में भिगो के रखिए। देखिए अब स्टफिंग कैसे करना है, दोनों तरफ हम पनीर से सील करेंगे, बीच में होगा किशमिश, एक तरफ सील हो गया है, ये देखिए
छीलोगे एक तरफ, अंदर डालेंगे किशमिश। किशमिश धो के अब पानी में भिगो के रखिए, उसके बाद ही डालना है। ये मैंने फिलिंग कर दिया। अब पनीर से सील करना है। ये देखिए पनीर से मैंने ये पूरा सील कर दिया इससे। ये देखिए हो गया है सील, दोनों तरफ पनीर है, बीच में किशमिश है। ऐसे करके पूरा मैं और एक दिखा रहा हूं, दो दिखाऊंगा ऐसे करना है। ये देखिए अगर पनीर का टुकड़ा बड़ा साइज है तो आप बीच में से काट के छोटा कर लीजिए। ये देखिए मैंने एक साइड पहले सील कर दिया पनीर से, ये हो गया है सील एक तरफ, ठीक है। उसके बाद परवल घुमा दीजिए। घुमाने के बाद अब जो किशमिश है किशमिश डालिए। ये देखिए मैंने घुमा दिया, एक साइड तो सील है। ये देखिए किशमिश में डाल रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप रखिए क्योंकि पनीर भी बैठ जाए ठीक तरह से। ये देखिए पनीर से मैंने सील कर दिया पूरा, दोनों तरफ पनीर से सील हो गया है, ठीक है। और बीच में किशमिश है। ऐसे पूरा कर लीजिए आप, जितना है मैंने पूरा कर लिया है, देखिए ठीक है। ऐसे देखिए पनीर से सील हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, इसमें हम परवल में हम थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला के, थोड़ा सा मैंने नमक डाला, ठीक है। ज्यादा मत डालिए, 1/4 डाल सकते हैं आप, 1/4 चम्मच का। और थोड़ा हल्दी पाउडर मैंने डाला। अब करना है मिक्स, ऐसे हाथ से ऐसे पूरा परवल के ऊपर आप ऐसे मिक्स कर लीजिए ऐसे। अब करना है फ्राई, ऐसे पूरा मिक्स करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि देखिए इस रेसिपी में मैंने सिल्का नहीं निकाला, स्किन रिमूव नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही बनाना है ये, ठीक है। कढ़ाई गरम होने के बाद अब तेल डालिए, तेल पहले कम डालिए, कम तेल में फ्राई करना है। 3-4 चम्मच तेल डाल सकते हैं आप, उससे फ्राई करना है। एक एक करके मैं डाल रहा हूं, इसे डालिए। देखिए स्किन रिमूव करने से क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। अगर आप स्किन रिमूव करके बनाना चाहते हैं पिलिंग करके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फ्राई कम करना पड़ेगा, हल्का फ्राई, फटाफट फ्राई करके आप निकालना पड़ेगा, नहीं तो गल जाएगा वो, ठीक है। और स्किन रहने से थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। एक तरफ फ्राई होने के बाद आप इसे पलट दीजिए धीरे धीरे। अब मैं पलट रहा हूं, पूरा ऐसे पलट दीजिए, ठीक है। जब दोनों तरफ फ्राई हो जाए तब निकलना है। ये फ्राई हो गया है, मैं एक एक करके निकल रहा हूं, धीरे से निकल, ज्यादा प्रेस मत कीजिए, ठीक है। ऐसे करके निकालने के बाद इसी कढ़ाई में ही हम डालेंगे और थोड़ा तेल डालेंगे। तेल कोई भी कुकिंग ऑयल से भी आप बना सकते हैं ये रेसिपी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसी कढ़ाई में ही हम और थोड़ा सा तेल डालेंगे। टोटल देखिए आधा कप तो लगेगा ही लगेगा, कि इस रेसिपी में तेल का थोड़ा सा यूज ज्यादा करना पड़ता है। इस रेसिपी इसका मेथड ही ऐसा है, कम तेल से अच्छा नहीं लगेगा। तेल गर्म होने के बाद मैं दालचीनी डाल रहा हूं, 1 इंच का 5 टुकड़ा मैंने डाल दिया लंबा लंबा करके, ठीक है। ये जो 1 इंच दालचीनी डाल दिया है, डीप ब्राउन करना है। डीप ब्राउन तो ब्राउन है ही, मतलब ब्लैक जैसा करना है, ब्लैक करना है, जलाना है इसमें तेल में, क्योंकि पूरा फ्लेवर आ जाए।
अब इलायची मैंने पास डाल दिया है, इलायची डालते समय क्रश करके ही डाले, नहीं तो इलायची फट सकता है। और लौंग डाल दिया है मैंने 5, लौंग भी फटता है, सावधान से। अब फ्लेम कमा दीजिए, फ्लेम कमा के डालना है ये सब। लो फ्लेम में आप रख दीजिए, धीरे धीरे ये मतलब फ्राई होते रहे, और ऐसे करके रख दीजिए और धीरे धीरे फ्राई करते रहिए इसमें। और वो जो पेस्ट मैंने बना के रखा था उसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाना है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पेस्ट में, अब मैं इसमें डाला नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, उसके बाद जीरा पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद सूखा मिर्च पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर। इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब ये करना है मिक्स्ड, मिक्स कीजिए। मिक्स्ड करने के बाद थोड़ा सा पानी भी आप मिला सकते हैं, आधा कप पानी, आधा कप से कम, 2-3 चम्मच मिला सकते हैं। ये जो पेस्ट हो गया है ये आप डाल दीजिए इसमें, ये बन जाएगा बढ़िया सा ग्रेवी, ठीक है। आप फ्लेम कमा के धीरे धीरे पलटा चलाते रहिए, ठीक है। देखिए ये जो रेसिपी है ना, एक्चुअली ये पूजा स्पेशल, मैंने दुर्गा पूजा के समय, दुर्गा पूजा के पहले मैंने एक रेसिपी शेयर किया था, वो रेसिपी का नाम था स्टफ्ड पोटैटो रेसिपी, वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और वो रेसिपी आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लाइक्स आए हैं उस रेसिपी में, कमेंट भी आए हैं, मैंने देखा वो रेसिपी, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, ठीक है। ठीक उसी स्टाइल में ही ये रेसिपी है, और ये जो इस रेसिपी का फॉर्मूला भी मेरा ही है। जब साइड में से तेल निकलना शुरू हो जाए तब मतलब ग्रेवी, ये जो ग्रेवी है वो हो गया है। अब क्या करना है, और जो परवल मैंने फ्राई करके रखा था एक एक करके इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, डाल दीजिए इसमें। ये देखिए एक एक करके मैं डाल रहा हूँ, फ्राई करके रखा था। इसमें क्या है, अंदर स्टफिंग, उसमें पनीर है और किशमिश है परवल के अंदर, ठीक है। अब एक एक करके इसमें डाल दीजिए। ये आप फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो रेसिपी है ना, आप फेसबुक में शेयर कीजिएगा। ऐसे ऐसे करके पहले एक साइड पका लीजिए, लो फ्लेम में रखिए आप, ठीक है। लो फ्लेम में धीरे धीरे पकाइए एक साइड। आप ढक्कन भी लगा सकते हैं, ढक्कन लगाने से ज्यादा जल्दी जल्दी मतलब हो जाता है, स्टीम से ये हो जाता है, ठीक है। अगर आप ढक्कन बिना ढक्कन के आप बनाना चाहते हैं तो 1-2 मिनट आपको ज्यादा रखना, ज्यादा समय रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ, ये एक्सेस हो गया था, बचा हुआ किशमिश और पनीर, वो अब मैंने डाल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इसलिए वो मैंने डाल दिया, ग्रेवी का टेस्ट भी बढ़ेगा इससे। उस समय ऐसे पकाइए। अब क्या करूंगा, मैं 1 कप पानी डाल दिया इसमें, ठीक है। 1 कप पानी डाल दिया क्योंकि ये मतलब बॉयल भी हो जाए, एकदम अंदर तक ठीक तरह से पक जाए, इसलिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया। पानी धीरे 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 सूख जाएगा और ये भी रेडी हो जाएगा, बॉयल भी हो जाएगा, हाँ ठीक है। लो फ्लेम में पकाना है, लो फ्लेम नहीं तो मीडियम फ्लेम में। ये जो काला काला दिखाई दे रहा है वो दालचीनी है, ये मैंने सेट कर दिया, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये क्या है काला काला, वो दालचीनी है ना जो तड़का लगाते समय डाला था, तो
आपका घर में अगर कोई भी पूजा हो, मतलब रिलीजियस फेस्टिवल हो, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सबको अच्छा लगेगा ये रेसिपी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सबको अच्छा लगेगा ये रेसिपी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप वो जो गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, ज्यादा आप गरम मसाला पाउडर मत डालिए तो खेल बर्बाद हो जाएगा ही। कम गरम मसाला पाउडर, कम आधा चम्मच में थोड़ा सा पानी मिलाया मैंने, 2-3 चम्मच पानी मिला के डाल दिया लास्ट में, एकदम लास्ट में, और घी मिला दीजिए इसमें, ये आपके हिसाब से घी, आपके हिसाब से 1 चम्मच 2 चम्मच। हाँ, ये देखिए मेरा परवल स्टफ्ड कड़ी बन के तैयार। ये रेसिपी का फॉर्मूला मेरा है, किसी का कॉपी नहीं है, मेरा पर्सनल ये रेसिपी है, मैंने सोच समझ के ये रेसिपी बनाया। ठीक है, जो कॉमन रेसिपी है वो तो कॉमन होता ही है, जो मेरा फॉर्मूला होता है वो मैं बोल देता हूं कि ये फॉर्मूला मेरा है। ठीक है, ऐसे करके आप बनाइए, बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको। स्पेशली ये पूजा के लिए मैंने बनाया है, एडवांस मैंने रेसिपी शेयर कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, पूजा स्पेशल वो अलग प्लेलिस्ट, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग, स्नैक्स का भी अलग, और हेल्थ के ऊपर भी मैं रेसिपीज डालता हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम रखा है मैंने हेल्दी वर्ल्ड। आप प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।